डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर एट, एक्सरसाइज 50। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, यहाँ पे एड दिया हुआ है, लेकिन इसी एक्सरसाइज में आपको एड, सबट्रैक्ट और मल्टीप्लाई आगे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे, और सिंपली यहाँ क्या दिया हुआ है, सबट्रैक्ट मतलब घटाना। तो यहाँ पॉइंट में है, लेकिन ये जैसा हम लोग घटाव बनाते हैं सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 5 में 2 गया तो कितना बचा, 3। 3 में 4 जाने वाला नहीं है, यहाँ से हासिल लेते हैं, कैरी लेते हैं, यहाँ तो हो गया 13। तो 13 में 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13 में 3 चला गया तो 10 बचेगा, और फिर 1 चला गया मतलब 9। यहाँ पे पॉइंट हो गया, और यहाँ पे बच गया 2। यहाँ से ये ले लिए थे, कैरी लिए थे, तो यहाँ 2 बच गया। तो यहाँ से फिर ये लेते हैं कैरी, क्योंकि ये घटने वाला नहीं है, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में 9, तो 9 3 12 होता है मतलब 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो गया, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे 5 8, ये तो सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, तो यहाँ से हम पैंचा लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ से चला, तो यहाँ से पैंचा लेंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ बच गया 7, और यहाँ से चला तो यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पे 15 हो गया, मतलब यहाँ 10 आया तो यहाँ से फिर यहाँ चला गया, तो यहाँ 9 हो गया, और यहाँ पे 15 हो गया, तो 15 में से 8 तो 7 आ गया, और यहाँ 9 में से 4 तो 5 आ गया, और यहाँ पे ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ 7 में से 3 तो 4 हो गया, और 4 में से तो जाने वाला है नहीं, तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 7 तो 7 बचेगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में यहाँ पे काफ़ी 0 है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ध्यान देके बनाना है। तो यहाँ पे ये तो माइनस हो नहीं रहा है, तो यहाँ से पैंचा चलेगा, तो यहाँ से चलेगा यहाँ यहाँ यहाँ, फिर यहाँ जो है 6 हो जाएगा, अब लिख लीजिए वरना भूल सकते हैं। तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पर जाएगा लास्ट जाएगा यहाँ तक, तो 10 यहाँ आया तो यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 तो 5, यहाँ 9 हो गया तो यहाँ पे 1 तो 8 हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ 9 5 तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 3 तो यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ 4 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पे अनिशा बॉट ए बुक फॉर इतना रुपया, मतलब एक बुक खरीदने के लिए इतना रुपया लगाती है, एंड सोल्ड इट फॉर इतना, और इतना रुपया में वो बेच देती है, मतलब इतना रुपया सोल्ड फॉर इतना रुपया लेस, मतलब इतना रुपया कम करके बेच देती है। हाउ मच मनी डिड सी गेट फॉर द बुक, तो उसको कितना रुपया मिलेगा, इतना में खरीदी और इतना रुपया कम करके बेच दी, तो फिर वो कितना रुपया पाएगी, कितना रुपया उसको मिलेगा। तो इसको करना क्या है, इसको करना है माइनस। तो इसको हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ सबसे पहले अनिशा कितना रुपया लगाती है किताब खरीदने में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी बाउट ए बुक, बाउट ए बुक फॉर इक्वल टू रुपीज, कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है 48.70 मतलब 70, ठीक है। अब यहाँ पे वो कितना उसको कम करके बेच देती है, सी सोल्ड इट, सोल्ड इट इन लेस, इतना कम में, कितना कम करके बेच देती है, रुपीज 10.35। तो उसको कितना प्राप्त होता है, तो इसको हम करेंगे माइनस, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे ये कैरी लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा तो 5 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 3 तो 3, और यहाँ पे पॉइंट 8 में से 0 तो 8 बचेगा, और 4 में से 1 तो 3 बचेगा, मतलब इतना रुपया उसको मिलेगा। तो सी गॉट रुपीज 38.35, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का।